हेलो स्टूडेंट, हम लोग ये हेमनोप्टेरा ऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें कि दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें याद रखना है। पैरासिटिक नेचर तो होता ही है और इसमें जो भी फीमेल होती है वो भी पोजीशन का जो ऑर्गेन है वो स्टिंगर का भी काम करता है, स्टिंग करने का भी ये काम करता है, जिसमें उसका ओविपोजिटर वही मॉडिफिकेशन है उसका। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें जो फर्स्ट फैमिली है, इसमें जो फर्स्ट फैमिली हमारा है टेंथ्रीनिडी। टेंथ्रीनिडी फैमिली है जिसको कि इट इज़ अ फैमिली ऑफ सॉ फ्लाई। इसको हम लोग अगर सॉ फ्लाई बोले तो वो टेंथ्रीनिडी फैमिली है। ठीक है, और इसमें 7500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाई किया जा चुका है और डिस्क्राइब किया जा चुका है। इसमें भी जो भी लार्वी होगा, इसका जो भी यंग वन होगा सॉ फ्लाई का, वो फीड करता है फॉलियस पे, ट्रीज पे, स्ट्रब्स पे, और कभी कभी एक्सेप्शंस इसका है जैसे कि लीफ माइनर और स्टेम बोरर्स और गॉल मेकर। ये तीनों जो आप देख रहे हैं, लीफ माइनर, स्टेम बोरर और गॉल मेकर, ये बिल्कुल ही पैरासिटिक होता है। ठीक है, अलग इंसेक्ट को भी ये बोर कर ये फीड कर सकता है, और बहुत ज़्यादा क्रॉप डैमेज में ये सिग्निफिकेंट है। क्रॉप डैमेज बहुत ज़्यादा करता है लीफ माइनर, स्टेम बोरर्स और गॉल मेकर्स। ठीक है, और ये जो इसका लार्वा होगा ये रिजेंबल करेगा स्मॉल कैटरपिलर से, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। कैटरपिलर से तो आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, है ना, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी हेयरी भी होता है। तो उस तरह से इसका जो भी लार्वा होगा, इसका जो यंग वन होगा, उसी तरह से ये वैरी करता है, उसी तरह से वो मिलता जुलता है। तो टेंथ्रीनिडी फैमिली जो है ये सॉ फ्लाई का फैमिली है। आप लोग ये देखे होंगे इंसेक्ट, ये इंसेक्ट आप लोग देखे होंगे ब्लैक और येलोइस कलर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एपीडी फैमिली। एपीडी फैमिली में भी 5700 स्पीसीज। एपीडी फैमिली जो फैमिली ऑफ बी, जो भी हनी बी होता है, और बहुत सारा बी हम लोग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कॉमनली हम लोग हनी बी ही देख पाते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा बी है, जैसे कि बम्बल बी है, हनी बी है, बहुत सारा स्टिंगलेस बी भी है जो कि हनी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कारपेंटर बी है, ऑर्किड बी है, कुकू बी है, बहुत सारा प्लांट का जो भी पॉलिनेशन होता है वो बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कभी कभी ट्री के बेसिस पे भी बी का नेमिंग कर दिया जाता है, जिसमें से कि आपका बम्बल बी, हनी बी और ऑर्किड भी बहुत ही कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारा ऐसा बी भी इसमें इस फैमिली में आएगा जो कि अभी अनआइडेंटिफाइड है और हम लोग ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिनेशंस में, एग्रीकल्चरल क्रॉप का पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो एपीडी फैमिली वेरियस टाइप ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बी का तो सिंपली आप लोग जान रहे, इस तरह का ब्राउन और ऑरेंज कलर और ब्लैक इसका ये होता है, लाइनिंग होता है। बम्बल बी देखिए, बम्बल बी जो होगा बिल्कुल हनी बी से मिलता जुलता होगा, बेसिकली वो सनफ्लावर में पॉलिनेशन में ये हेल्प करता है जो कि बम्बल बी होता है, और उसका जो कलरेशन होगा वो येल्लो और ब्लैक होगा, बिल्कुल हनी बी की तरह ही होगा, लेकिन इसका जो कलरेशन होगा येल्लो एंड ब्लैक होगा। और देखिए ये ऑर्किड भी है, ऑर्किड भी बिल्कुल ग्रीनिश और ब्लूइश कलर में आप देख सकते हैं, ब्राइट ब्लू और येल्लो कलर, मेटालिक कलर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जो डिफरेंट स्पीसीज है ये एपीडी में, बम्बल भी है, ऑर्किड भी है, कुकू भी आप लोग देख सकते हो, भी लगभग इसी तरह का रहता है, बट थोड़ा सा कलर में उसका डिफरेंस होता है। डिफरेंट बीज आपका आएगा एपीडी फैमिली में। नेक्स्ट है ट्राइकोग्रामा टिडी फैमिली। ट्राइकोग्रामा टिडी फैमिली में ये वैस्प का ही फैमिली है, बट टाइनी वैस्प। टाइनी मतलब बहुत ही इसका जो भी साइज होगा बहुत ही कम होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर इन लेंथ। जैसा कि लेस देन 1 मिलीमीटर इन लेंथ जो भी वैस्प होगा वो आपका आएगा ट्राइकोग्रामा टिडी फैमिली में। ये जो वैस्प, इसको आप लोग देखे होंगे जो भी फ्रूट्स होता है उस पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखते होंगे आप, उसके सराउंडिंग में ये उड़ता है, बहुत ही टाइनी नेचर का होता है। जो इसका आई बहुत ज़्यादा टफिन होता है, ये कंपाउंड आई बोल सकते हो, और माउथ पार्ट भी बहुत ज़्यादा ये सकिंग और चिविंग नेचर का होता है ये। तो टाइनी इस वैस्प को रिप्रेजेंट करेगा ट्राइकोग्रामा टिडी फैमिली। ठीक है, इसमें एग्स का एग्स जो भी होता है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज में, बहुत सारा ऐसा स्पीसीज है जो एग को पैरासिटाइज करता है। डिफरेंट इंसेक्ट जो होता है अगर अपना एग वो ले करता है तो उस पर ये फीड करता है, तो एग पैरासिटिक का भी ये एग्जांपल है ट्राइकोग्रामा टिडी फैमिली। मतलब एग को भी पैरासिटाइज करता है, मतलब दूसरे स्पीसीज का एग पे ये डिपेंड करता है अपना फूड के लिए। तो ट्राइकोग्रामा टिडी इज अ फैमिली ऑफ टाइनी वैस्प। उसके बाद इक्नुमोइडी फैमिली, इक्नुमोनिडी फैमिली है। ठीक है, इक्नुमोनिडी फैमिली तुम्हारा, इसको इक्नुमोन वैस्प और इक्नुमोनोइड्स भी बोलते हैं।
ये फैमिली टोटली पैरासिटिक होता है, पैरासिटॉइड वैस भी इसको बोलते हैं। ये हेमिनोप्टेरा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरासिटॉइड फैमिली, इक्नोमोइड वैस और इक्नोमोइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो भी हैबिटाट है वो ट्रीज़, जो भी होता है ट्रीज़ का ब्रांचेज में ये रहता है, ठीक है। और डिफरेंट जो भी इंसेक्ट्स हैं जैसे कि स्पाइडर हो गया, एंट हो गया, उस पर ये फीड करता है। और ये इस तरह से हम लोग इसको इम्पोर्टेंट इंसेक्ट रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, जो भी इंसेक्ट का पॉपुलेशन है उसको ये रेगुलेट करता है। बेसिकली ट्रीज़ में ही इसका, ट्रीज़ का ब्रांचेज में इसका हैबिटेट, वहाँ पे ही ये रहता है। और जो भी इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, एंट्स हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। अगर तो इस तरह से हम लोग रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रैकोनिडी फैमिली। ब्रैकोनिडी फैमिली भी पैरासिटॉइड वास्प का ही फैमिली है। ये बिल्कुल रिलेट करता है इकोनोमोइड से, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस यही है कि आप देख सकते हैं इकोनोमोइड फैमिली डार्क ब्लू और ब्लैक कलर में होता है, लेकिन ब्रैकोनिडी फैमिली को हम लोग व्हाइट डॉटेड और ऑरेंज, इसका जो भी लेग वाला पार्ट होगा ऑरेंज होगा और ब्लैक ही होगा, बट उसमें डॉटेड होगा। उसका जो भी थॉरेक्स वाला रीजन होता है, एब्डोमेन वाला जो भी रीजन होता है, उस पर व्हाइट डॉटेड स्ट्रक्चर होता है। और ये भी पैरासिटिक ही होता है, ठीक है। 17,000 स्पीसीज इसका अनडिस्क्राइब्ड है, बहुत सारा इसका स्पीसीज है बट 17,000 स्पीसीज इसका अनडिस्क्राइब्ड है। चैल्सिडी फैमिली। चैल्सिडी फैमिली ये मॉडरेट साइज का होता है। ये भी पैरासिटॉइड ही नेचर का है। और ये बेसिकली इसको अगर आइडेंटिफाई करें तो येल्लो, रेड और वाइट मार्किंग होता है। जैसे देख सकते हैं आप, येल्लो मार्किंग है, कभी कभी किसी में रेड मार्किंग भी हो सकता है, वाइट मार्किंग भी हो सकता है। तो ये भी पैरासिटिक फैमिली। तो हाइमनोप्टेरा का जो थ्री फैमिली है, इक्नोमोइडी, ब्रैकोनिडी और चैल्सिडी, ये याद रखना है आप लोग, ये पैरासिटिक फैमिली है। मतलब दूसरे इंसेक्ट पे, दूसरे इंसेक्ट का जो भी इमैच्योर स्टेजेज होता है या एक्स होता है, उस पर ये डिपेंड करता है, पैरासिटाइज करता है उनको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइमनोप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा ऑर्डर। आप लोग अच्छे से इसको देखिए किसका क्या एग्जाम्पल है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।